स्टूडेंट्स हमारे साथ हार्दिक है, डॉक्टर शर्मा है। हार्दिक एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, ठीक है। एम्स दिल्ली आप लोग का सपना है, ये वो कॉलेज है जो हर बच्चा जो नीट का एग्जाम दे रहा है उसमें जाना चाहता है ना। और हार्दिक ने पिछले साल मास्टर क्लास लिया था, आपको पता है हमारा मास्टर क्लास आ रहा है। मैंने सोचा डॉक्टर शर्मा मास्टर क्लास के क्रिएटर और हार्दिक स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर क्लास लिया और उससे बेनिफिट किया, उनका एक डिस्कशन, उनकी एक बातचीत आपके साथ शेयर करूं। डॉक्टर शर्मा, हार्दिक, थैंक यू। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और ये मैं आपको ये बता दूं बच्चों के ये सपना जो अभी कपिल सर ने कहा सब बच्चों का, ये मेरा भी था जो पूरा नहीं हुआ। ये वो सपना था जो मेरा भी था और पूरा नहीं हुआ। एंड इट इज़ वेरी गुड टू सी यू एट एम्स अगेन वंस अगेन। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइए जब आप पहली बार एम्स में सेलेक्ट होकर के गए, व्हाट वाज द फीलिंग लाइक? सर मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को, ऑब्वियसली एम्स हम सबका ड्रीम होता है। डोंट बी मॉडेस्ट सर, बहुत अच्छा लग रहा था सर। मॉडेस्ट क्या मतलब, इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू, अ ट्रू फॉर मी। और आप एक चीज देखिए बेटे, अगर आप एम्स दिल्ली में हैं तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, एम आई राइट? आप पिनाकल पे हैं, इंडिया के द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल कॉलेज, द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल एजुकेशन। कितने बच्चे हैं आपके बैच में? सर हमारे बैच में अराउंड 110 स्टूडेंट्स। एंड हैव यू एवर सीन द एम्स बिल्डिंग? आपको पता है कितनी फैकल्टी है वहाँ पर? आपको पता है पेशेंट का इनपुट कितना है? आप है ना एक दिन में दो दिन में पूरा कैंपस नहीं घूम पाएंगे MRI। yes, और अगर आप अगर वार्ड्स में जाने लग गए तो आपको 1.5-2 साल बाद पता लगेगा कि मेडिसिन का एक्चुअल वार्ड है किधर और गायनी का किधर है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज कैंपस और इतना जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है, इट इज़ अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अस एज वेल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी है वो ये कि ये जो बच्चे इस टाइम तैयारी कर रहे हैं ये बहुत पास है नीट के, फोबिया है, पैनिक कुछ होता है, कुछ क्रिएट कर लेते हैं, एंग्जाइटी में पढ़ाई कर रहे हैं या तो फिर वो पीछे के बारे में सोचते रहते हैं। मैं इन लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने तरीके से प्रोसेस को फॉलो किया है तो आफ्टर ऑल इतना मुश्किल नहीं है। व्हाट विल बी द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू? यू आर फ्रॉम एम्स दिल्ली, आपकी बात वजन रखती है ना, तो इन बच्चों को ये बताइए कि किस तरह से ये सक्सेस अचीव की जा सकती है? सर मेरे लिए दो फैक्टर्स बहुत मेन थे, एक्चुअली तीन कर सकते हैं आप इसको। एक होना चाहिए कि ओवरऑल प्लान आपका लेआउट होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए एकदम, ये शुरू में एकदम स्टार्टिंग से। दो साल की जब शुरुआत कर रहे हैं, दो साल तो थोड़ा अर्ली हो जाता है, तब हम एक्चुअली बस आते ही हैं इस नीट गेम में। सो उसके बाद थोड़ा एज यू प्रोग्रेस, मतलब जब हमारे चैप्टर्स होने लग जाए, आपको फीलिंग लगने लग जाए कि मतलब हम नीट के रेस में हैं, उसके बाद अगर आप इसका प्लान बनाने का सोचे थोड़ा, मतलब एज इन थोड़ा सा रफ लेआउट होना चाहिए इस चीज़ का। बहुत बढ़िया। और सर प्लान एंड उसको फॉलो करना विद कंसिस्टेंसी। तो एक और बात हम बार बार ये कहते हैं कि कई लोग बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में प्लानिंग पैरालिसिस हो जाता है, प्लानिंग के अलावा कुछ नहीं करते। कहने का मतलब एवरीथिंग इज एक्शन। यू नीड टू हैव अ गुड प्लान एंड यू नीड टू हैव एन एटीट्यूड टू एक्ट अपॉन इट, एम आई राइट? यस सर। क्योंकि बिना एक्शन के कुछ नहीं होगा। सर परसीवियरेंस इज द राइट वर्ड फॉर इट। क्या बात है। तो ग्रिट, परसीवरेंस, ये जो शब्द है ये सक्सेस के बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। तो मुझे ये लग रहा है कि हार्दिक ना केवल अच्छा स्टूडेंट है, ये बहुत अच्छा मेंटर बनेगा किसी के लिए, क्योंकि जो बात इसने इस उम्र में समझ ली है वो आसानी से समझ में नहीं आती। परसीवरेंस, बहुत फ्रस्ट्रेशन आई होगी बीच में कई बारी, मुश्किल सर बहुत ज़्यादा, मतलब एज सब लोग कहते हैं कि अप्स एंड डाउन्स किसी भी जर्नी में आते हैं और ये तो 2 साल की तो जर्नी कैसे है। मोटिवेट किया आपने आपको, मतलब जब सर, ऐसा लगा कि बहुत थोड़ा सा रास्ता अटक गया है? सर मोटिवेटेड मतलब पेरेंट्स की खुशी, मतलब नॉट अबाउट क्लीशे कोई चीज़ नहीं है, मेरे को सच्ची में अपने पेरेंट्स के चेहरे पर 5th of May को वो स्माइल देखनी थी रात को। एक मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आज के बाद शायद तो मेरे किसी भी मोटिवेशन सेमिनार की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितनी ज़बरदस्त बात फिर हार्दिक कह रहे हैं कि अपने गोल को किसी बहुत हाई आइडियल से जोड़ दीजिए, वो आपकी एक मोटिवेशन बनेगी, आपको ये समझ में आ जाएगा व्हेन द व्हाई इज क्लियर हाउ इज ईजी। जब आपको ये समझ में आ जाए आप ये काम कर क्यों रहे हैं तो आसान है, फिर आप मेहनत करेंगे। कितनी ज़बरदस्त बात इस लड़के ने आपके सामने कहा है कि मैं माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखना चाहता था। आप भी एक बार ये इमेजिन कीजिए कि आपके सिलेक्शन से माँ बाप को क्या फ़ायदा होगा। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पॉइंट। और कुछ बात अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट पर क्या कर सकते हैं? सर लास्ट मोमेंट पे मतलब एक क्रिटिकल फैक्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस आउट कर जाते हैं वो होता है रिवीजन पे फोकस ना करना। रिवीजन इज़ द की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लास्ट 2 मंथ्स फॉर एनी नीट एस्पिरेंट, बिकॉज मतलब हम जब 2 साल की जर्नी में होते हैं
हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स याद करते हैं, एंड अक्रॉस द टू ईयर जर्नी हम बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है हमारी उसको भूलने की. एंड उन आखिरी के दो महीनों में या फिर उससे पहले, एक्चुअली रिविजन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस मेरे हिसाब से, तो मैं स्टार्टिंग से रिविजन करने लग गया था फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ट्वेल्थ. मतलब कभी एक टॉपिक उठा लिया, कभी दूसरा टॉपिक उठा लिया, ताकि मेरे को एंड में जाके तकलीफ ना हो. तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हार्दिक, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड स्टैंडिंग विद यू एंड वेरी प्रिविलेज्ड. मुझे आपने ये बताया कि आपको मास्टर क्लास से बहुत फ़ायदा हुआ. yes, अच्छा लगा, मज़ा आया. और मास्टर क्लास की टाइमिंग भी रिलीज़ की वो थी जो आप अभी रिवीजन की बात कर रहे हैं. तो क्या आपको लगता है कि मतलब जो वो बुक था, दैट वॉज अ गुड एफर्ट ऑन आर पार्ट, और क्या आपको महसूस हुआ उसके बारे में? सर, बहुत अच्छा लगा था मेरे को जब मास्टर क्लास आया था. इट वॉज एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर मी, सो मेरे को बहुत अच्छा लगा था. एंड जैसे ही वो आया था तो मैंने उसको परचेज कर लिया था. पहले दो वॉल्यूम्स लिए थे मैंने, एक एनिमल फिजियोलॉजी का और एक प्लांट फिजियोलॉजी का था. तो उसमें मैंने जब क्वेश्चंस के लिए गो थ्रू गया था, मेरे को बहुत अच्छे लगे क्वेश्चंस, अच्छे से स्ट्रक्चर्स थे. एंड बेसिकली जब मैंने देखा था कि मतलब चार सेक्शंस में डिवाइडेड था जितना मेरे को याद है. एक था अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी, जो कि आपका देखता था कि कैसे स्ट्रक्चर, आपने कैसे ग्रास्प किया कॉन्सेप्ट्स को. दूसरा था आपका कि आपने बिटवीन द लाइंस कितने अच्छे से इंटरप्रेट किया चीज़ों को. एंड फिर अगर आपने ये दो सेक्शंस अच्छे से कर लिए हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा की पॉइंट था असर्शन रीजन क्वेश्चन, जो कि मेरे को एम्स में बहुत हेल्प किया है मेरे को. पर जैसे अब एम्स नीट में आ गया है, तो इस क्या रेलेवेंस होगी assertion reason, करना चाहिए बच्चों को कि नहीं? सर, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. द थिंग इज अबाउट कॉन्सेप्ट, एंड कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए. एंड एयर क्वेश्चंस आपके दिमाग को खोलते हैं एंड आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं. तो इससे रटने की जरूरत कम पड़ेगी? सर, रटने की जरूरत ऑब्वियसली कम पड़ती है. एंड अगर आप इस साल का पेपर देखें, एक हमारा क्वेश्चन आया था जो एम्बिगुअस भी डिक्लेयर हुआ था, तो वो भी इसी पैटर्न पर ही था कि दो स्टेटमेंट्स दी हुई थी एंड उसके चार ऑप्शन दिए हुए थे एज सिमिलर टू व्हाट कम्स इन एन एयर क्वेश्चन. बायोमोलिक्यूल्स के कोफैक्टर वाले क्वेश्चन. हां यस सर. क्या बात, तो मेरे को ये समझ में आ गया. तो आपने मास्टर क्लास का कैसे यूज किया है, मतलब सर? मास्टर क्लास का मतलब जैसे ही मैंने अगर कोई सपोज चैप्टर खोला, सपोज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मैं पहले एक ब्रीफ रीडिंग मारता था एनसीईआरटी की, ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट्स मेरे दिमाग में रहे कौन कौन सी चीज़ें ब्रीफली है उस चैप्टर में. एंड देन मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू करता था. एक गो में करता था पहले सारे क्वेश्चंस कि हो जाए, मैं देखता था कि कौन से क्वेश्चंस हो रहे, कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे. एंड फिर जब एक साइकिल मेरा हो जाए, फिर वापस आता था जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है. एंड देन फिर ये सारी चीज़ें जब हो जाती थी, उसके बाद मैं आता था ऑडियो सॉल्यूशंस पर. एंड ऑडियो सॉल्यूशंस, चाहे मेरा क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो, मैं सबके सुनता था, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स चाहिए होते हैं. नोट्स भी बनाया आपने? सर, नोट्स डायरी भर के रखी हुई है सर मैंने. हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जितना मेरे को नीड है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बेसिक फैक्ट्स, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नोट करके रखी थी अबाउट फॉर 90% ऑफ द क्वेश्चंस. सो वुड यू रियली लाइक टू रिकमेंड द बुक टू द स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच. थैंक यू हार्दिक, थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. वेरी वेरी बिग विश फॉर योर फ्यूचर. मुझे पता है पहले से ही बहुत स्ट्रांग है और बहुत ब्राइट है. इसने वो काम कर दिया है जो कि अब विश की जरूरत नहीं है, बस देखना ही है कि कहाँ तक जाता है. चलो, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.